और रूम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा ऊपर जैसा एकदम? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। ऊपर जैसा है एकदम जैसे सेकंड फ्लोर में था? हाँ ऊपर जैसे ही। लेट जाओ आराम से। दीपिका शेख इब्राहिम के ऊपर लगा है माँ बाप को अलग करने का इल्जाम। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से शुएब दीपिका ने पापा को अलग रखा है अपने साथ, तो ये सही नहीं किया है। और जब अम्मी और पापा एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जैसे उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। तो दीपिका शुएब को चाहिए कि अगर उन्होंने पापा को रखा है तो अम्मी को भी साथ रखें। लेकिन आपको असली सच नहीं बताया जाता। ये तो बता दिया कि अम्मी पापा को शुएब दीपिका ने अलग किया हुआ है, लेकिन क्यों? आप सभी को ये मालूम होगा कि कुछ साल पहले पापा को स्ट्रोक आया था, यहाँ तक कि उनको पैरालाइज का भी असर हुआ था। और आप देखते होंगे कि पापा के बात करने में चलने में काफी फर्क आ चुका है। और शुएब ने पापा के देखभाल के लिए किसी न किसी को वो हमेशा रखते हैं। और आप देखते होंगे कि कोई भी खुशी हो, कोई भी बात हो, तो पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। उनका दिल दिमाग बिल्कुल एक बच्चों की तरह हो चुका है। वो ज्यादा तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हाँ ये है कि वो अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। और हमने आपको काफी बार सच बता दिया है कि आखिर पापा को शुएब अपने साथ क्यों रखते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि अम्मी नीचे फ्लैट में आ चुकी हैं और उनके साथ बेटी खाला अम्मा रिजा रेहान और सबा का भी आना जाना लगा रहता है। यहाँ तक कि काफी मेहमान भी आते रहते हैं और पापा डिस्टर्ब हो, इस वजह से शुएब दीपिका पापा को अपने साथ रखते हैं ताकि वो आराम से रह सकें। शुएब अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते पापा की किसी भी बात को लेकर। दीपिका के ऊपर ये भी इल्जाम लगा था कि एक पापा के लिए खाना तक नहीं बन पाता, अम्मी नीचे से बना कर लाती है और तब पापा को खिलाती है। तो आप जरा सोचें कि दीपिका रूहान में काफी बिजी रहती है। और ऐसा नहीं है कि दीपिका पापा के लिए कुछ नहीं बनाती, कुछ ना कुछ वो बनाती रहती है, लेकिन अम्मी पापा के परहेज का खाना बनाती है और पापा को खिलाती है। अम्मी एक बीवी होने का फर्ज अदा करते हुए अपने हाथों से खाना बनाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुएब ने अम्मी पापा को अलग किया हुआ है। और अम्मी की भी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती, उनको शुगर है। और शुएब दीपिका के ऊपर ये भी इल्जाम लगा है कि अम्मी पापा बहुत ज्यादा डरते हैं, असली सच वो नहीं बता पाते, वही बोलते हैं जो दीपिका शुएब बुलवाते हैं। कुछ लोग इब्राहिम फैमिली को पसंद नहीं करते, इसलिए वो फेक न्यूज बनाकर इब्राहिम फैमिली को बदनाम करते रहते हैं।